धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु नासरी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान भी करते हैं। अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम अंतिम खुदा, तहे दिल से हृदय की गहराइयों से संपूर्ण मन से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद हूँ। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान भी हो क्योंकि आप इसके योग हैं। हाँ, एक और नई सुबह आप हमें दिए हैं प्रभु, एक और नए दिन हमारे जीवन में जोड़े हैं, एक और नई किरण प्रकाश उज्याला रोशनी हमारे जीवन में उदय किए हैं प्रभु। हे प्रभु, इसके लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया से, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा जितना भी किया से, आदर और सम्मान जितना भी किया से, उतना ही कम है लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है और सादा बनी रहेगी प्रभु। इसके लिए प्रभु आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर महान परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक और नए किरण प्रभु आपके जीवन में उदय किया है, एक और नए दिन प्रभु आपके जीवन में जोड़ा है, एक और नई भोर में सुबह में आपके आंखों को खोला है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, महिमा प्रशंसा कीजिए, तारीफ बढ़ाए, आदर और सम्मान कीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के दिए हुए आज के सुंदर सुबह के वक्त प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज के दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या बातें करता है, हम सबों को क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, जिस वचन को हम पढ़ने वाले हैं, जिस वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, वो वचन है मेरे प्रियो भजन संहिता की पुस्तक 81 अध्याय के उसका 8, 9 और 10 पद। हाँ, और 10 पद। आइए मेरे प्रियो इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, प्रभु बोलता है कि हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इसराइल भाला हो कि तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराय देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर किससे बातें कर रहा है, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, कि इस वचन में परमेश्वर सिर्फ इसराइली लोगों से ही नहीं बल्कि हम सबों से भी बातें कर रहा है। इसराइली लोग मिस्र देश में बंदी थे, मिस्र देश के राजा फिरौन उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, इसराइली लोगों को बहुत सताता था, तंग करता था, तपा करता था। परमेश्वर क्या किया, मूसा को खड़ा किया और मूसा के द्वारा इसराइली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, राजा फिरौन से स्वतंत्र किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम भी दलदल के कीचड़ में थे, शैतान के जाल में, उनके प्लान योजना में, निकाले हुए युक्तियों में फंसे थे, अंधकार में थे। जहां से निकालना
नामुमकिन था, पर प्रभु हमें क्या किया है, वहां से निकाल करके जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है। हमारी अंधकार भरी जीवन में अपनी रोशनी को, ज्योति को उदय किया है, हमें रोशनी में लाया है, जीवितों के उजियाला में लाया है और अच्छा ला रहा है मेरे प्रियो। और आज इस वचन में परमेश्वर हम सबों से कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो। वो कहता है सुनो, मैंने तुम्हें अंधकार से और शैतान के शत्रुओं के सताव से स्वतंत्र किया है, भला हो कि तुम मेरी सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो। क्या कहते हैं, किसी पराये देवता की दंडवत मत करना। वो क्या कहते हैं मेरे प्रियो, वो हम सबों से कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। वो कहता है मेरे सामने अपने मुंह को पसारो, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मृत्यु से प्रभु हमें बाहर किया है, हमें जीवन दिया है, तो क्या और भी चीजें हमें नहीं दे सकता? आपको जो चाहिए प्रार्थना में प्रभु से बोलिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु सब कुछ देगा। यहाँ इस वचन में भजन संहिता की पुस्तक 81 अध्याय के 10 में वो कहता है कि मेरे सामने अपने मुंह को पसारो, मैं उसे भर दूंगा। मांगिए जो चाहिए आपको, प्रभु देगा। वो कहा है करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु जो वादा करता है, हाँ प्रभु जो और जिसके लिए वादा करता है उसके जीवन में उसके लिए वादा को पूरा भी करता है, अपनी वाचा को पूरा भी करता है। मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, प्रभु से लिपटे रहिए, फिर देखिए प्रभु के अनुग्रह और महिमा को। अद्भुत रीति से प्रभु सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करेगा। हाँ, आपके जरूरत की चीजें, आवश्यकता की चीजें समय पर आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, दया कर महापरमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखना है मेरे प्रियो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके मार्गों से भटकना नहीं है। याद कीजिए कि आप पे शैतान के बंदगृह में थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके बंधन से, बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़े हुए थे, अंधकार में थे, दलदल के कीचड़ में थे, वहां थे जहां से निकलना मुश्किल था, पर प्रभु क्या किया है, अद्भुत रीति से आपको वहां से बाहर निकाला है और आपको जीवन दिया है। तो फिर मेरे प्रियो, और भी चीजें आपको क्यों ना देगा? आपके जीवन की जरूरत और आवश्यकताएं की चीजें आपको क्यों ना देगा? देगा मेरे प्रियो। सब कुछ पाने की आशा प्रभु से रखिए, प्रभु सब कुछ आपको देगा, आपकी आशा को सच में वो पूरा करेगा। हाँ, जब आप हर परिस्थिति हालातों में प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, उसके साथ अपने संगति को बनाए रखेंगे, प्रभु किसी के सामने आपको घुटना टेकने नहीं देगा। किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात भले वस्तु के लिए आपके हाथों को किसी के सामने फैलाने नहीं देगा। हालेलुया, हमेशा, हाँ मेरे प्रियो, हमेशा आपकी सहायता के लिए,
आपकी मदद गार्ड के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाएगा। वो हमेशा आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आवश्यकताएं की चीज़ें बहुत ऐसे आपको देता रहेगा, समय समय पर देता रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते, सुराज आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्रियो। प्रभु को छोड़ किसी प्राय देवता की ओर नहीं भागना, हाँ किसी प्राय देवता की दंडवत नहीं करना है। हालेलुया, अगर आप ऐसा करते हैं, प्रभु को छोड़ करके किसी प्राय देवता के पीछे भागते हैं, मूर्तियों के सामने अपने सर को झुकाते हैं, प्राय देवता की दंडवत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, जब आप निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के उसका 5 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि हमारा प्रभु जलन रखने वाला प्रभु है। हालेलुया, वो कहता है जो मुझे छोड़ प्राय देवता के पीछे भागता है, प्राय देवता को दंडवत करता है, उसकी उपासना करता है, वो मुझे से बैर रखता है। और कहता है इसमें निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 5 में कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करूँगा। हालेलुया, क्या कहता है, उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूँगा। आपके गलती की सज़ा किसको मिलेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपको तो मिलेगा ही, पर यहाँ प्रभु क्या कहता है, वो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ेगा, दंड देगा। हालेलुया, प्रभु आपको जीवन दिया है, प्रभु में बने रहिए, सब कुछ प्रभु की ओर से आपको मिलेगा, किसी भी बात के लिए, चीज के लिए, भले वस्तु के लिए प्रभु को ठुकराइए मत, प्रभु के प्रेम से अलग मत होइए, प्रभु के मार्गों से भटकिए मत, प्रभु के साथ जो आपका संगति है उस संगति को तोड़िए मत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, नहीं तो फिर वहीं चले जाएंगे जहाँ से आप निकले हैं, और क्या होगा, प्रभु भी दंड देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए महान खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह कर खुदा, आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष, बरकत, बढ़ोतरी और सफलता का कारण ठहरने पर अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज का दिन सबों के लिए आशीष में हो, सुख शांति समृद्धि चैन में हो, सफलता बरकत बढ़ोतरी में हो, सहायता करना, मदद करना खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के हर एक पल सबों के निकट रहकर, हाँ आज के हर एक वक्त घड़ी समय सबों के निकट रहकर, पास करीब समीप रहकर सबों का देखभाल करना, देखरेख करना, ख्याल रखना, खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाना, जितने बच्चे प्रभु ने आसान बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सबों को प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, सौंपते हैं, सबों को संभालना स्वर्गीय पिता, सबों के परिवार के एक एक सदस्यों को भी आपके हाथों में देते हैं, ख्याल रखना, देखभाल करना, देख रेख करना खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, हाँ आपकी महिमा प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। लॉर्ड जीसस कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं,
सबों के दिए हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी से आपके हजूरी में हम रखते हैं। प्रभु जी जवाब उतर हाँ आमीन में दीजिए। हाँ जितने प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं उसके ऊपर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर उसका जवाब सबों को हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद यीशु सबों के जीवन में काम करना, सबों के कामों को काजों को सफल करना, फ्यूचर को उज्जवल बनाना, जीवन को संवारना, सजाना, सुंदर करना। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते आपकी स्तुति और कमी घटी को पूरा करते आपकी स्तुति हो प्रभु। दीर्घायु क्षेत्रित कर रोग बीमारी से शैतान से कर्ज से हाँ सारे कर्जों से छुटकारा दे। गरीबी घटी में से बाहर निकाल सब कुछ पूरा करके उपाय करके सबों को बहुत आशे दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी स्तुति करते आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता करना प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें दे। सूखे के नदी में से जल पिला आत्मिक भी जरूरी से तृप्त करना खुदा। स्वर्ग के सरोखे खोलते और उन सबों को ब्लेस कर जो धन दस मास दिए हैं जितने इस प्रार्थना को रिसीव करें सबों को ब्लेस कर और कमी घटी को पूरा होने दे। जीवन की जरूरत और आवश्यकता मन की इच्छा लालसा सपना को मनोकामना मनोरथों को पूरा होने दे। अनुग्रह कर प्रभु धन्यवाद देते हैं सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांग कर कहते हैं खुदा आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना में जरूर शामिल होना और शेयर भी करना। प्रभु के पनाह में आप रहेंगे और सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में बना रहेगा। किसी भी चीज़ की कमी घटी कभी आपको नहीं होगा। हमेशा आपकी सहायता मदद गाइड के लिए प्रभु का हाथ आपके निकट रहेगा। प्रभु अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु उस पर दृष्टि करेगा और उसका उत्तर आपको हाँ आमीन में जरूर देगा क्योंकि बोला है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको ब्लेस करे गुड ब्लेस प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।